हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। इन्वेस्टर है और पूरे इंडिया में सिर्फ 200 से 300 कंप्लेंट हुए और एफआईआर भी उससे कम है, तो 200-300 कंप्लेंट है और 2 लाख लोग हैं हम लोग। 2 लाख लोग की अहमियत नहीं है भाई, ये 2 लाख पूरे इसमें जो है। हैदराबाद में कितने कंप्लेंट हुए? हैदराबाद में 12 कंप्लेंट है, 1 करोड़ 70 लाख 85,000 की कंप्लेंट है हैदराबाद के अंदर, और 30 से 35,000 इन्वेस्टर है हैदराबाद के अंदर। पूरे इंडिया में 2 लाख इन्वेस्टर है, तो ये पूरे जितने भी है उनके पूरे घरदार नहीं चलना भाई। अल्लाह के फजल से हलाल की कारोबारी चल रही थी, हलाल का कारोबार है, उसमें पैसा आ रहा था लोगों को। पहले लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उस हिसाब से मसीहा बन के चल रहे थे, उसको भी पूरा खत्म कर दिए। एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट, जो लोगों के जीने का तरीके खत्म कर दे रहे। क्या करना बताइए, इस एफिडेविट को लेके हम जो इशू बनाएंगे, अगर इसमें भी अगर गवर्नमेंट एग्री नहीं होती है, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और अगर गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग हैदराबाद कमिश्नर पुलिस साहब, आप जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करके हमको इंसाफ दिलाइए ये एफिडेविट के बुनियाद पे। साहब कोर्ट के अंदर, और हमको पूरा भरोसा है सेशन कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और ये चीज उसकी सबूत है, उन्होंने पैसे देने का वादा कर रहे हैं, कोई किसी की मुंह जबानी नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये पैसे देने का वादा किए वो, और हम उनसे ही लेंगे पैसा, और वो बाहर आके ही देंगी, अंदर रह के कैसा देंगी, जबकि अकाउंट उनके डिफ्रीज कर दिया गया और पैसा देने के लिए रेडी है, मगर पैसा उनको देने के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको। तो हम सबसे, आपसे जितने भी हमारे चाहे तेलंगाना के हो, चाहे हमारे यहाँ के लीडर हो, हैदराबाद के लीडर हो, सबको बोलेंगे कि आप इसके अंदर आके मदद करिए, ये मुसलमानों का पैसा जो है साथ में निकालिए, और अब उनको कारोबार, उनका कारोबार चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा बल्कि नहीं है, इवन उन्हें प्रॉफिट देने की भी बात कर रहे हैं उसके अंदर। आपका जो असल पैसा लगा है वो भी देंगे और प्रॉफिट भी देंगे, और एफिडेविट में लिखा हुआ, और एफिडेविट सबके पास है, हर तरफ वायरल किया हुआ एफिडेविट ही है, और कोर्ट में सबमिट किया हुआ है। कोर्ट के अंदर कोई सबमिट करने के बाद, बाहर आने के बाद बच नहीं सकता कोई भी, जो इन टाइम है उस टाइम में पेमेंट करना पड़ता। तो हमको इस कानून पे भरोसा है, और हम अंजनी कुमार साहब जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद है, उनकी भी दरखास्त करते हैं कि ये एफिडेविट उनके पास भी है, तो प्लीज सर आप इसको जो है, इसको हर तरफ से जो है, इसको फॉलो करते हुए जो है, आप इस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट में जो हम सबमिट किए हैं, इसको प्लीज आप इंप्लीमेंट करिए, हमारा पैसा रिलीज कराइए ये एफिडेविट के थ्रू। जैसा हम ये एफिडेविट पे भरोसा करें, उसके कानून पे भी भरोसा है, उसी तरह हैदराबाद पुलिस पे भी भरोसा है, इस तेलंगाना पे भी भरोसा है। अगर इस तरह के बिजनेसमैन को अगर इस तरह दबाया जाएगा, तो हिंदुस्तान तो क्या, तेलंगाना तो क्या, कोई भी स्टेट के अंदर कोई भी बाहर से कारोबारी आके कारोबार नहीं करेगा। ब्लैकमेलिंग के चैनल चल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और जो है कारोबार पूरा खत्म कर रहे हैं, चार गली के हुंडे आके जो है कारोबार पूरा खत्म करने के लिए जा रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज कुछ भी करके पैसा रिलीज कराइए, इस एफिडेविट को लेकर रिलीज कराइए, और सारे पूरे जितने भी लोग हैं हमारे 2 लाख इन्वेस्टर, पूरा एफिडेविट के ऊपर भरोसा रख रहे हैं हम लोग, और हिंदुस्तान के कानून के ऊपर भरोसा है कि ये एफिडेविट सबमिट करने के बाद कोई भी नहीं बच सकता कानून से। मैडम के खिलाफ ना, देखिए भाई पूरे इंडिया में हम लोग 2 लाख इन्वेस्टर है, और पूरे इंडिया में सिर्फ 200 से 300 कंप्लेंट हुए और एफआईआर भी उससे कम है, तो 200-300 कंप्लेंट है और 2 लाख लोग हैं हम लोग। 2 लाख लोग की अहमियत नहीं है भाई, ये 2 लाख पूरे इसमें जो है। हैदराबाद में कितने कंप्लेंट हुए? हैदराबाद में 12 कंप्लेंट है, 1 करोड़ 70 लाख 85,000 की कंप्लेंट है हैदराबाद के अंदर, और 30 से 35,000 इन्वेस्टर है हैदराबाद के अंदर। पूरे इंडिया में 2 लाख इन्वेस्टर है, तो ये पूरे जितने भी है उनके पूरे घरदार नहीं चलना भाई। अल्लाह के फजल से हलाल की कारोबारी चल रही थी, हलाल का कारोबार है, उसमें पैसा आ रहा था लोगों को। पहले लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उस हिसाब से मसीहा बन के चल रहे थे, उसको भी पूरा खत्म कर दिए। एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट, जो लोगों के जीने का तरीके खत्म कर दे रहे। क्या करना बताइए, इस एफिडेविट को लेकर हम जो इशू बनाएंगे, अगर इसपे भी अगर गवर्नमेंट एग्री नहीं होती है, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और अगर गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग हैदराबाद कमिश्नर पुलिस साहब, आप जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करके हमको इंसाफ दिलाइए ये एफिडेविट के बुनियाद पे। साहब
बीवी टेंशन, बच्चे टेंशन, ना स्कूल की फीस बन सक रहा, ना उन्हें कुछ कर सक रहा, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट उन्हें वहाँ करे हुआ है, साहब करके बैठे हुआ है। अब उसी फिक्र में उसको टेंशन, ना उन्हें कहीं बाहर जाके कमा सक रहा, ना कुछ कर सक रहा। मेहरबानी होगी आपसे, हम सब मुसलमानों की, आप ज्यादा जाति पर्सनल जो भी है, जो भी सोचा है भाई, वो अपनी जगह रखिए। हम मुसलमानों पर रहम कीजिए, हमारे ऊपर रहम कीजिए। बस वो जो सामान नोहरा शेख को गोल्ड के जियो है, वो जो भी है उनको बाहर भेज दीजिए। मतलब ये कुछ लोग जो है जानबूझ के आपा को फंसा कर और उनको अंदर रखना चाह रहे हैं, उनको बाहर आने नहीं देना चाह रहे हैं। उनका बोलना ये है कि उन्हें बाहर आना नहीं है, अंदर बैठ के पैसा देना है। अंदर बैठ के कैसा देंगे बताइए आप? पूरे बैंक को फिक्स करा दिए, सब करा दिए, बैंक लॉकर लॉक करा दिए, कोर्ट से सब होगा तो उन्हें देंगे कैसा, ये बताइए आप? क्योंकि कोर्ट से पूरा उनको पूरा फिक्स करा दिए है तो निकलेगा कैसा पैसा? मतलब ये जानबूझ के जो है जो कंप्लेनर है वो लोग जानबूझ के काम कर रहे हैं कि वो बाहर नहीं आए। हाँ यही है, आज तक हम जो सुन लेते हुए आए, आज तक जो हमारे समझ में आया, हम ये चीज उन्होंने इलेक्शन में आना एक बहाना होगा भाई, इलेक्शन में आना सियासती जो समय ये पूरा गेम है सब। अच्छा, मैं यही गुजारिश करूँगा, सियासती गेम हम नहीं जानते, हमको नहीं मालूम। हम मुसलमान हैं, हम कमा के खाने वाले, रोज का मेहनत करके खाने वाले। हम गुजारिश ये कर सकते हैं अकबरुद्दीन अवैसी से, असदुद्दीन अवैसी से, आप बेहतर जानते हैं, आप हमारे रहबर हैं। बस आप आगे आइए, आप नहीं आएंगे तो जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। प्लीज मेहरबानी होगी, आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, मैंने उनके खिलाफ बात देखिए भाई, पूरे इंडिया में हम लोग 2 लाख इन्वेस्टर हैं और पूरे इंडिया में सिर्फ 200 से 300 कंप्लेंट हुए और FIR भी उससे कम है, तो 200-300 कंप्लेंट है और 2 लाख लोग हैं हम लोग। 2 लाख लोग की अहमियत नहीं है भाई, ये 2 लाख पूरे इसमें जो है। हैदराबाद में कितने कंप्लेंट हुए? हैदराबाद में 12 कंप्लेंट है, 1 करोड़ 70 लाख 85,000 की कंप्लेंट है हैदराबाद के अंदर, और 30 से 35,000 इन्वेस्टर है हैदराबाद के अंदर। पूरे इंडिया में 2 लाख इन्वेस्टर है, तो ये पूरे जितने भी है उनके पूरे घरदार नहीं चलना भाई। अल्लाह के फजल से हलाल की कारोबारी चल रही थी, हलाल का कारोबार है, उसमें पैसा आ रहा था लोगों को। पहले लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उस हिसाब से मसीहा बन के चल रहे थे, उसको भी पूरा खत्म कर दिए। एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट जो लोगों के जीने का तरीके खत्म कर दे रहे, क्या करना बताइए? एफिडेविट को लेके हम जो इशू बनाएंगे, अगर इसमें भी अगर गवर्नमेंट एग्री नहीं होती है, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और अगर गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग हैदराबाद कमिश्नर पुलिस साहब, आप जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करके हमको इंसाफ दिलाइए ये एफिडेविट के बुनियाद पे साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग यहाँ पर सब हीरा ग्रुप के मेंबर्स इकट्ठा हुए हैं आपा के लिए, आपा के इंसाफ के लिए। आपा ने जब हमारी मदद की थी, हम सब ने उनका फ़ायदा उठाया। अब सब हम सब का काम है, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए उठ खड़े हो, आगे बढ़े, उनके लिए जस्टिस की मांग करें। हम सब लीडर्स हैं जो मुसलमानों के, अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं, हर किसी की मदद की मांग करते हैं हम। जब आप अपनी तहरीर में कहते हैं कि मैं आदम का बेटा हूँ, आदम मेरा बाप है, तो हम सब आपके भाई बहन हैं, हम सब की मदद करना आपका काम है। एक आपकी बहन मजबूर, उसको अकेला करके उसे जेल में खड़ा कर दिया गया। आप आगे बढ़िए, आपके पास हर चीज़ की पावर है, आप हर किसी से बात कर सकते हैं। आगे आइए, हमारी मदद करिए, हम आपसे मदद की गुहार लगाते हैं। प्लीज़ आगे बढ़िए। आज एक औरत अपने मुसलमानों के लिए, अपने मुसलमान औरतों के इंसाफ के लिए जब उठ खड़ी हुई थी, जब उसके अगेंस्ट सब पीछे से पॉलिटिकल ट्रैप करके उन्हें फंसा दिया गया है। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप आगे बढ़े, एक मुसलमान औरत के लिए मदद के लिए प्लीज़ 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 आगे बढ़िए। उनसे कई घर चल रहे थे, हर किसी को मदद हासिल हो रही थी। बहुत सारे लोग कुछ दिनों की अपनी आरामी खोने के वजह से शैतानों के हाथ में जाके, शैतानों की बातों में आके आपा के खिलाफ अपनी साजिश रच रहे। मत जाइए भाई, मत जाइए बहन ऐसे लोगों के पास। वो हमारी बड़ी है, उन्होंने जो बुनियाद खड़ी की है हम उनकी बुनियाद है, जो इमारत वो बनी है हम उनकी इमारत की बुनियाद है। आज अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देंगे? अब एक घर की वो बड़ी है, वो हमारी माँ है, वो हमारी बहन है, वो हमारी आपा है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ो, आपा के मदद शैतानों के बहकावे में मत आओ। उसके बातों में कुछ नहीं है, उसके बातों में सिर्फ भड़काने की बात है, सिर्फ पाकिस्तान की बात है, सिर्फ टेररिस्ट की बात है। हमारी आपा ऐसी नहीं है, अगर वो ऐसी होती तो कभी के अपना देश छोड़ के चले जाती थी। वो आगे आगे जाके भी
आगे जा सकती थी, अपने आप को छुटकारा पा सकती थी। अभी भी उनके पास ऑफर दिए जा रहे हैं कि आप सब छोड़ दो, हमारा पैसा हमें दे दो, उनकी उनकी जो मांग है वो उनकी मांग पूरी करके तुम देश से बाहर चले जाओगे। आज भी आपा को ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन आपा हमारी आपा एक नेक दीन है, एक नेक साफ और एक नेक दीनदार औरत है, पंच नमाजी औरत है। हमने उनका चेहरा देखकर उन पे भरोसा करके अल्लाह से मांग, जब हम परेशान थे, हम मजबूर थे, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारी दुआएं सुनी, जब जाके हमें एक जरिया बना है आपा का, उनके जरिए से हम खा रहे थे। हमने तो सिर्फ पैसा लगाया, मेहनत की।